नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस 24 समाचार चैनल। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। कार्यक्रम संयोजक हंसराज दावरे जी आज महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती पर पावन पर्व पर श्री हंसराज दावरे, रवि दावरे, राजू दावरे, सोनू दावरे, कुणाल दावरे, अमन दावरे, आशा पारूची जी, उत्कर्ष, उत्कल और वाल्मीकि समाज के लोगों द्वारा महाआरती प्रसाद वितरण किया गया। इस अवसर पर दक्षिण पश्चिम के वाल्मीकि आदरणीय श्री भगवान दास सबनानी जी, प्रदेश अध्यक्ष एससी मोर्चा श्री कैलाश जाटव जी, बार्ड 25 पार्षद श्री जगदीश यादव जी, जिला अध्यक्ष एससी मोर्चा श्री हरि ओम जी, मंडल अध्यक्ष पारस नवरिया जी एवं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता श्री संतोष सिमरौदिया, धर्मेंद्र साह जी, अनिल भास्कर जी, अनिल राठौर जी, सैलिन तिवारी जी, सोहन नाहर जी, महावीर गौंड जीतू, संजू सिंधे, सुनील चौहान, दीपक गौंड, विनोद मान जी जी और सभी पार्टी एवं समिति समाज के लोग उपस्थित थे। निश्चित रूप से महर्षि वाल्मीकि ने ही हमको ज्ञान दिया, हमको रास्ता बताया। महर्षि वाल्मीकि हो, तुलसीदास जी हो, जिन्होंने हमको ये बताया कि राम क्या है, राम का चरित्र क्या है, सीता माता क्या है, लव कुश से लेकर के सारा हमने रामायण के संग, जब रामानंद सागर जी ने जब रामायण टीवी सीरियल बनाया तो बहुत सारी चीज़ों का, ऐसे कहते हैं ना कि लोगों को अज्ञानता में थोड़ा सा ज्ञान देने का काम किया। ऐसे महर्षि वाल्मीकि जी का योगदान है और उनको आज हम सब स्मरण कर रहे हैं, श्रद्धा के साथ स्मरण कर रहे हैं। उनकी कृपा हम सब पर बनी रहे, हम सब मिलकर के और समाज जीवन में कुछ बेहतर कर सके, अपने जीवन की सार्थकता कर सके, समाज में कुछ लौटा सके, समाज को कुछ दे सके, तो निश्चित रूप से हमारे इस जिस हम शरीर में हैं इसकी सार्थकता होगी। मैं महर्षि वाल्मीकि जी के चिंतनों में नमन करते हुए उनसे प्रार्थना करता हूँ कि तुम सबको सद्बुद्धि दे, हम बंधुत्व भाव के साथ समाज जीवन में काम करें और समाज के वो जो नीचे हैं, जो पीछे हैं, उनको आगे ले जाते हैं, हम मुख्य धारा से जोड़ करके इस देश को, जो ऋषि मुनियों ने कहा था कि दुनिया का सिर मुकुट है यह देश, और ऋषि और मुनियों को उन वाणी को पूरा करते हुए हम इस देश को दुनिया के आगे की पंक्ति में ले जाके खड़ा करें। ये सब तब होगा जब हमारे पास जो काम है हम उसको निष्ठा और ईमानदारी से पूरा कर सकेंगे, तो देश उन्नति पर जाएगा। इस भारत से जो अपार संभावनाएँ दुनिया को है उसको पूरा करने की क्षमता हम सब में, हम सब भारत के नागरिक अपने ऋषि मुनियों से, अपने पूर्वजों से आशीर्वाद लेकर के इस दिशा में आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से भारत उन्नति पर जाएगा और हम सब मुख्य धारा से और आगे बढ़ सकेंगे। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि पिछले 10-11 साल में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से आज 25 करोड़ से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो गरीबी रेखा के नीचे से ऊपर उठ कर के आ गए, अर्थात गरीबी रेखा के नीचे की सूची से बाहर हुए हैं और वो मुख्य धारा में जुड़े हैं। निश्चित रूप से सरकार की नीतियाँ गरीब कल्याण के काम जो आगे ले जाने का काम करते हैं, लोगों को आगे बढ़ाते हैं, इस दिशा में हम सब लोग मिलकर के काम कर रहे हैं। पुनः सभी बंधुओं को, खासतौर से हंसराज जी बहुत सोशल वर्कर भी हैं, हमारे कार्यकर्ता सही, लेकिन समाज सेवा के काम में सक्रिय रहते हैं, पूरे परिवार जन को बहुत बधाई खुश हूँ। सर, सामान्य मंदिर की मांग की आपसे दिन बात की, तो वो विषय उन पर विधायक सबनानी जी भी पूछे थे। भाई साहब, ये मेरे वाल्मीकि जयंती के पर्व की सभी को मैं पहले बधाई देना चाहूँगा, और दूसरी बात ये है कि हमारा ये 18वां वर्ष था जयंती मनाते मनाते, हर साल हम ऐसे ही आरती करके प्रसाद वितरण करते हैं और सभी समाज के लोग एवं आम नागरिक, जनता, पब्लिक सभी आते हैं इसमें आरती में, महाआरती में। और मैं तो यही कहूँगा कि वो तो संत हैं, संत को तो सभी पूछते हैं, और बाकी हमारे क्षेत्र के विधायक जी भगवान दास सबनानी जी भी आरती में आए और उनको आरती में सम्मिलित हुए। सर, विधायक जी ने बड़ी जमकर आपकी तारीफ की है, कैसे? भाई साहब, मैं तो समाज से भी काम करता रहता हूँ, और भाई साहब को तो मैं काफ़ी टाइम से, सर आपने मंदिर भी मान ली, उनसे तो क्या आश्वासन है? बोले हैं भाई साहब, भाई साहब बहुत सज्जन स्वभाव के हैं और मतलब सरल व्यक्ति हैं। कैलाश जाटव जी भी पधारे थे, कैलाश जाटव जी आए
और उनने भी आके वाल्मीकि जी की सम्मिलित हुए कार्यक्रम में, और बाकी कैलाश जाधव जी की को और भी अन्य कार्यक्रमों में जाना था, इसलिए ज़्यादा वो समय नहीं दे पाए। क्या संदेश देना चाहिए समाज को? बस समाज को यही संदेश देना चाहूँगा कि सब अच्छे रहें, खुश रहें, बढ़िया रहें और अच्छे अच्छे काम करें। नाम बताओ। हंस राज दावरे, वार्ड 25। भगवान वाल्मीकि जी ने जिन्होंने रामायण की रचना की और भगवान राम का परिचय पूरे विश्व को कराया, ऐसे भगवान की आज जयंती है और वाल्मीकि समाज उनको अपना भगवान मानता है। मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति मोर्चा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आज पूरे प्रदेश भर में जिला स्तरीय कार्यक्रम तय किए गए हैं, कई जगह रैलियाँ निकाली गई हैं, कई जगह सम्मेलन हो रहे हैं, कई जगह संगोष्ठियाँ हो रही हैं। तो आज दिन भर अनुसूचित जाति मोर्चा के कार्यक्रम पूरे मध्य प्रदेश में लगे हुए हैं, और मैं आपको, आपके चैनल के पूरे परिवार को और यहाँ उपस्थित सभी जनता को बहुत बधाई देता हूँ आज के दिन की। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बने रहे हेडलाइन 24 समाचार के साथ। नमस्कार। ऐसी खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए।